हेलो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे लॉग कैलकुलेशन प्लस एंटी लॉग की कैलकुलेशन, ठीक है। और सीख लेंगे कि एंटी लॉग भी कैसे निकलते हैं और हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 89 × 46। जब ऐसा कोई नंबर आपको मल्टीप्लाई करने को आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लॉग लीजिए। लॉग लेंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो एडिशन होगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन था तो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया, लॉग 89 प्लस लॉग 46, ये दो चीज़ें निकालनी है हमें। तो अब लॉग 89 निकालेंगे कैसे, तो लॉग 89 के लिए सबसे पहले अभी हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कंसिस्ट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा दोनों के पार्ट के साथ, ठीक है। तो अब लॉग 89 हम निकालेंगे कैसे, तो लॉग टेबल खोल लीजिए अपना। लॉग टेबल पे आप 89 वाला जो पॉइंट है वहाँ देखिए, लॉग ऑफ 89 कितना दिया है, लॉग 89 दिया हुआ है 9494, और आगे कुछ वैल्यू नहीं था तो फिर हमने सीधा जीरो वाला ही कॉलम पकड़ा है। अगर 89.1 89 892 34 कुछ रहता तो हम ये आगे के सारे किसी में भी एक कॉलम से हम वैल्यू निकालते। पिछले वाले वीडियो में हमारे पास 4561 समथिंग था, तो उसमें हमने इसलिए कॉलम तक गए और उसके बाद मीन डिफरेंस भी ऐड की, बट इसमें हमारे पास सिंपल ऑपरेशन है 89, तो हमने सिर्फ 89 का वैल्यू लिया जो कि है 9494। ओके, तो मैंटिसा हमको पता चल गया क्या है मैंटिसा हमारा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ डिजिट -1, तो दो डिजिट का नंबर है ये, -1 वन डिजिट। तो उसी तरह से देयरफॉर लॉग 89 इज इक्वल टू 1. अब ये हमारा मैंटिसा है तो वो डेसिमल के बाद ही चालू होता है, और पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक का फिर पॉइंट डाला और 9494 लिख दिया, तो हमने लॉग कैलकुलेट कर लिया ऑफ 89। उसी तरह सेम लॉग 46 कैलकुलेट करेंगे। लॉग 46 क्या रहेगा, लॉग 46 अब वापस लॉग टेबल खोलिए और सिंपली 46 पे आ जाइए। 46 पे आए आपको क्या मिला, 6628, ठीक है, और वो भी जीरोथ कॉलम पे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं था, तो 6628 मिल गया। आप कैलकुलेशन भी उसी तरह, नंबर ऑफ डिजिट -1 1.6628 मिल गया आपको। अब क्या करना है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमारा लॉग 89 प्लस लॉग 46 था, तो अब जब ऐड करेंगे इनको तो हमको वैल्यू मिलता 3.6122। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है, हम करना क्या चाह रहे हैं ये पूरे ऑपरेशन से कि इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है वो पता करना है हमको। अब ये तो रहा लॉग का पार्ट, लॉग हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, फाइंडिंग एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग ऑफ हमेशा हम देखिए यहाँ पर मैंने रूल्स लिखा है, हमेशा हम डेसिमल के बाद का डिजिट कंसिडर करते हैं फॉर फाइंडिंग एंटी लॉग, क्योंकि अगर आपने एंटी लॉग का टेबल देखा होगा तो वहां पर सारे के सारे वैल्यूज जो लेफ्ट में हैं वो आफ्टर डेसिमल ही है, जो कि लॉग में नहीं था, लॉग में आपका होल नंबर्स थे, यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो आप क्या फाइंड करेंगे, 6122 का एंटी लॉग। तो 6122 का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए, 6-1 सेम प्रोसेस है जैसे लॉग के, 6-1 जो कि 4074, अब 6122, तो सबसे पहले तो 6-1 हो गया, अब सेकंड कॉलम पे आइए, 6-1 के सेकंड कॉलम पे क्या दिख रहा है, 4093, ठीक है, ये सेकंड कॉलम। अभी मीन डिफरेंस भी ऐड करना है, मीन डिफरेंस कितना है देख लीजिए, सेकंड का मीन डिफरेंस क्या आया, 6-1 का 2 का 2, ये भी 2 है, तो हमने क्या किया, 4093 प्लस 2 तो क्या आएगा, 4095। अब ये याद रखिए, हमेशा एंटीलॉग निकालते वक्त पॉइंट डालिए आफ्टर फर्स्ट डिजिट, जो भी एंटीलॉग मिला हमें क्या मिला, 4095 मिला था, फर्स्ट डिजिट है 4, उसके बाद आप डेसिमल डालिए और लिख दीजिए, बस इतना आपका पार्ट कवर हो गया। अब बचा ये कैसे आया 10:3, अब क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को 10 के पावर में लिखो। ओके, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था यहां पर, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको ऐड करने का क्या मिला, 3 पॉइंट मिला, ठीक है, तो 3 को
टेन के पावर में, अगर फाइव मिलता फाइव को टेन के पावर में, मतलब टेन रेशो फाइव, ऐसे लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दो जो आपको एंटीलॉग मिला उसके साथ, बस ये जो नंबर है ये आपका वैल्यू है। ये असल में हो क्या रहा है 4095 इंटू 10 रेशो 3, मतलब 4095। अब अगर आप 89 इंटू 46 करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा पूरा एम रहता है फॉर फाइंडिंग लॉग। लॉग हम निकालते हैं तो हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उनके बीच का साइन चेंज करिए, उनका लॉग निकालिए, और लॉग निकालने का डेसिमल के बाद के पार्ट का एंटी लॉग निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक से, बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।